रजत आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आपको बता दें कि दुनिया की और भारत की सबसे महत्वपूर्ण एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजे जो हैं वो करीब करीब अनुमान से थोड़े कम नजर आए हैं। मुनाफा जो था वो 1540 करोड़ का हुआ है, अनुमान जो था वो 1604 करोड़ का अनुमान रखाया गया था, यानी मुनाफा अनुमान के मुताबिक नहीं रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो ये नतीजे आए हैं, आपको बता दें तिमाही के ये नतीजे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के। वॉल्यूम ग्रोथ 7% रही है जो कि अनुमान के करीबी है, 7 से 8% का अनुमान है। रजत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, इन पूरे जो नतीजे आए हुए हैं किस तरह से देखा जाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले मुनाफे की फिगर ये आई है 1538 करोड़। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 1604 करोड़ का मुनाफा जो है वो एचयूएल रिपोर्ट करेगी, तो मुनाफे की फिगर तो है हमारे अनुमान से कम और ये जो मुनाफा है यहाँ पर 1415 करोड़ से बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर आप आय का फ्रंट देखें तो वहां पर 9945 करोड़ का आंकड़ा है। हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 9962 करोड़ के आसपास कंपनी रिपोर्ट करेगी आय, तो इसको आप इनलाइन कह सकते हैं। कामकाजी मुनाफा 2321 करोड़, बिल्कुल यही अनुमान था, हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कामकाजी मुनाफा लगभग 2320 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर आएगा। और मार्जिन सबसे बेहतर पिक्चर यहां पर है क्योंकि ये जो कंपनी एचयूएल, इसने 23.3% के मार्जिन अपने इंटैक्ट रखे हैं। यही हमारा अनुमान था कि एटलीस्ट 23.3% के मार्जिन जो कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। अब मुनाफा हमारे अनुमान से कम हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर रहता है एफएमसीजी कंपनियों के लिए वो है 7% की वॉल्यूम ग्रोथ इस बार एचयूएल ने फिर से डिलीवर किया। हालांकि अगर इस वॉल्यूम ग्रोथ को आप पास ट्रेंड से देखेंगे तो यहां पर वॉल्यूम में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी 7% का ही अनुमान था और 7% की वॉल्यूम ग्रोथ एफएमसीजी जायंट ने पेश किया है। डीडी शर्मा साहब मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। आंकड़ा बताऊं मुनाफे का तो 1538 करोड़ का है सर, वॉल्यूम ग्रोथ 7% एचयूएल ने डिलीवर किया, कैसे लग रहे नतीजे? वॉल्यूम ग्रोथ 7 से 8% जो है वो एक्सपेक्टेड थी और रेवेन्यू ग्रोथ 10% के आसपास एक्सपेक्टेड थी। मुझे लग रहा है वो दोनों तो जो है बिल्कुल इन लाइन आई है और वहाँ कोई मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो डेफिनेटली जो बाकी कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनियों के ऊपर थोड़ा प्रेशर जो दिखाई दे रहा है वो इस पर भी आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, मोटे मोटे एक इन लाइन कहा जा सकता है। शर्मा साहब, आपके साथ मैं एक बार फिर से जुड़ूंगा, मेरे साथ से मैं संजीव बसीन जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी एक बार रिएक्शन ले लूं। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। 1538 करोड़ का मुनाफा आपको कैसे लग रहा है और साथ साथ 7% की वॉल्यूम ग्रोथ, हालांकि कंसिस्टेंटली कम हो रही है वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन फिर भी एचयूएल के लिए 7% की वॉल्यूम ग्रोथ बेहतर समझेंगे अभी? संजीव जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा लाउड बोलो भैया। 1538 करोड़ का आंकड़ा है मुनाफे का और 7% की वॉल्यूम ग्रोथ, क्या आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या फिर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है मुनाफे को देखकर? नहीं नहीं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं, बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं और वो ये बता रहा है कि बाकी कुछ कंपनियों ने वीकनेस का दिखाया है, लीवर ने वो डिनाइन किया है। आई थिंक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, दे बीटन ऑन ऑल फ्रंट और मेट एक्सपेक्टेशन, और ये डिस्पाइट क्रूड एंड पाम ऑयल बीइंग ऑन द हायर साइड, so they've been able to protect margins, in fact margins थोड़े expand किए और हमें लगता है numbers are very much in line to slightly ahead of estimate। संजीव जी, इनफैक्ट मैं यही पूछना चाह रहा था कि 7% इस कंपनी डिलीवर की है, डाबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं 4.5%, गोदरेज कंज्यूमर तो मात्र 1% की वॉल्यूम ग्रोथ दिखा के गया है इस बार। ऐसे में अगर एफएमसीजी पे बेट लगाना हो तो एचयूएल के साथ ही जाना पसंद करेंगे क्या अभी? नहीं देखिए, उन्होंने बता दिया है कि पहले जो रूरल का उनका सबसे अच्छा मार्केट शेयर था, रूरल की जगह अर्बन में भी उतना ही बराबर हो गया है, तो इट्स टेलिंग यू कि अर्बन यूजर आर आल्सो कैचिंग अप और आगे जाते हुए मुझे ट्रेंड अच्छा ही लगता है। हमें पता है कि ये जो क्वार्टर था थोड़ा सा स्पेंडिंग की वजह से थोड़ा सा वीकनेस का था, बट मुझे लगता है कि आगे जाते हुए दे शुड सी मच बेटर वॉल्यूम ग्रोथ और आई वुड से दीस नंबर्स आर इन लाइन टू स्लाइटली अहेड। बहुत शुक्रिया संजीव जी आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। और शर्मा साहब, आपका फाइनल टेक, अब जब खुलेंगे सोमवार को तो उस पर स्टॉक पे रिएक्शन क्या संभव है और साथ ही साथ क्या स्टोरी अभी इंटैक्ट रहेगी एचयूएल की जिस तरीके की वैल्यूएशन कमांड कर रही है? देखिए, वैल्यूएशन तो डेफिनेटली बहुत रिच और एग्रेसिव है अगर हम पीई टू ग्रोथ के बेसिस पे देखें, और ग्रोथ को अगर अपन ये मान के चलें कि ये प्रॉफिट ग्रोथ है
और प्रॉफिट ग्रोथ को भी देखें तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट ग्रोथ और इसका जो वैल्यूएशन जो डिस्काउंटिंग है वो मैच नहीं करता। अभी जो है डिस्काउंटिंग एग्रेसिव लगती है और जो रियल ग्रोथ आ रही है प्रॉफिट में वो उसको मैच नहीं कर रही है, और इसी कारण से आपने देखा होगा कि पिछले दो दिन से शेयर गिर रहा है। अभी कल भी मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई तेजी देखने को मिलेगी, और गिरता है या नहीं गिरता है वो थोड़ा देखने की बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक पे प्रेशर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डीडी शर्मा साहब आपका, संजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथी रजत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एचयूएल के नतीजों पर ये तमाम अपडेट्स और तमाम जो फोकस था उसे बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।